साइकिल छीन लेंगे, लाउड स्पीकर छीन लेंगे, उसको स्विच कर देंगे। अब उसमें कौन से चीज नंबर और जो है नंबर लगा हुआ है, बहुत करेंगे, हमको बंद कर देंगे। लेकिन लड़ाई हम लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, मजलिस का झंडा इंशाअल्लाह ताला मऊ की आवाम इस बार गाड़ने का काम करेगी। जो आई तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है, मेरी आवाम जानती है, ना मैं चोर हूँ, ना बदमाश हूँ, ना अय्याश हूँ, ना पियक्कड़ हूँ, ना जुआड़ी हूँ, ना शराबी हूँ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अपनी आवाम से एक बार हमें मौका देगी। तो ये मनोहर साहब, आप साइकिल पे क्यों आ गए? योगी जी जो है हमको हराने के लिए मऊ आए थे अभी परसों। बुलडोजर पे कई कई लोग बैठ के जो है गए, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। अभी सैकड़ों गाड़ी, 200 गाड़ी जो है यहाँ सपा के प्रत्याशी लेके गए, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है। नीचे कर लिए माइक। और बसपा से जो है कैंडिडेट, वो जो है 200-400 आदमी लेके जा रहे हैं, कोई जो है उल्लंघन आचार संहिता का नहीं हो रहा है। मनोहर मुर्गा का सिर्फ एक गाड़ी था, वो भी परमिशन में पास था, और उसको आज सीज कर दिया गया, कोतवाली बंद कर दिया गया। तो आज मजबूर होके मनोहर मुर्गा जो है साइकिल पे अपने जो है लाउड मांग कर आज लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारा प्रोग्राम है जो 8 तारीख को मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो मैं जनता से बीच में जा रहा हूँ, उनसे वोट भी मांगूंगा, और उस रैली में और उस रोड शो में समर्थन मांगने के लिए मैं निकला हूँ आज। मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। परेशानी है, तकलीफ है, कि क्योंकि हमको जो है परेशान किया जा रहा है। अगर साइकिल छीन ली गई तब क्या करेंगे? साइकिल छीन लेंगे, लाउड स्पीकर छीन लेंगे, उसको स्विच कर देंगे। अब उसमें कौन से चीज नंबर और जो है नंबर लगा हुआ है, बहुत करेंगे, हमको बंद कर देंगे। लेकिन लड़ाई हम लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, मजलिस का झंडा इंशाअल्लाह ताला मऊ की आवाम इस बार गाड़ने का काम करेगी। क्योंकि योगी जी डर गए हैं, आए पर उनके भीड़ में जो है देखे ना किस तरह से जो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, और उसके बाद भी मनोहर अली को दबाने के लिए गाड़ी सीज कर दिया गया। आप पर मुकदमा भी हो गया? हाँ, हमारे गाड़ी को लेकर जो है गाड़ी जो है सीज किया गया, मुकदमा आचार संहिता का उल्लंघन का बनाया गया होगा। कुछ कहना चाहेंगे? जनता से मैं अपील कर रहा हूँ, और हमारे तकलीफ को समझे, और एक बार 18-19 साल से हम भी राजनीति में लगे हुए हैं, अगर हमारी मजदूरी समझ के अगर वोट देंगे तो लगभग 1,00,000 वोट से पार हम जाएंगे। जितना हमने लोगों की समस्याओं को समाधान कराया है, कई जगह राजनिया भी आई है, 19 ट्यूबवेल हमने लगवाया, चक्का जाम कर उसमें भी मुकदमा बना, कई लोगों की दुकान पर आल हुई आजमगढ़ मोड़ पर मछली मंडी में, उसको लेकर चक्का जाम किए थे, उसमें मुकदमा बना, और वहाँ मस्जिद में रास्ता नहीं था, उसके लिए हमने लड़ा और उठाया, और लोगों की आवाज़ों को हमने जो है जाके कलेक्ट्रेट पे उठाया, लोगों की मांगों को उठाया। स्लाइडर हाउस जो है नहीं बनने की वजह से एक महीना तक लोगों को गोश्त नहीं मिला था, पूरा कसावा बनता, उसको हमने लड़ भिड़ के जो है हमने आंदोलन करके उसको जो है प्रशासन द्वारा उसको मुहैया लोगों का खुराक कराया। ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर 18 मुकदमे हो गए, आज 19 हो गए, तो क्या आपको नहीं लगता कि आगे चल के आपको भी माफिया बना दिया जाए, माफिया कह दिया जाए, उसके बाद आपके ऊपर तरह तरह की कार्रवाई होने लगे? कार्रवाई तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है, मेरी आवाम जानती है, न मैं चोर हूँ, न बदमाश हूँ, न अय्याश हूँ, न पियक्कड़ हूँ, न जुआड़ी हूँ, न शराबी हूँ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अपनी आवाम से एक बार हमें मौका देगी। तो किस बात के लिए आप पे इतना मुकदमा हुआ? जनता की लड़ाई लड़ता हूँ मैं, और हमारे जो यहाँ के नेता है जाके वहाँ अधिकारी गढ़ लोगों के बीच में हमारे खिलाफ जो है भड़काते हैं कि मनोहर अगर
चेयरमैन हो जाएगा, विधायक हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे साहब? आज आपकी आंखों में आंसू क्यों दिख रहा है, क्या वजह है? आप परेशानी है, मैं आज परेशान हूँ, मुझे तकलीफ है कि जहाँ 100-100, 200-200 की गाड़ियाँ लेके काफिला लोग निकल रहे हैं, बीच बीच जो है फोर व्हीलर लेके निकल रहे हैं, 400-400, 500-500 जो है दो चक्का लोग लेके निकल रहे हैं, एक दो झंडा हमारे जो है बच्चे लेके चल रहे थे, तो मैं गया था वहाँ परमिशन लेने के लिए, तो झंडा गलती से उन्होंने गाड़ी पे रख दिया, तो भाई दो झंडा बेसी था उसको लेकर आचार संहिता का उल्लंघन कर दिए, सैकड़ों गाड़ी लेके सैकड़ों झंडा लोग ये लेके आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आपने कुछ कहा या इलेक्शन कमीशन आप मऊ से कुछ कहने की कोशिश की है? अब मैं आप जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूँ कि आचार संहिता का उल्लंघन जितने लोग कर रहे हैं उन सबों पर कार्रवाई करें और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए इंसाफ हमें दें। आप पे जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके बारे में आपने अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया? शीर्ष नेताओं से हमने बताया है, पूरे प्रदेश में चुनाव चल रहा है, सब लोग उसमें उलझे हुए हैं, मौका मिलेगा वो लोग आएंगे और हमारे प्रदेश के जो सेक्रेटरी हैं कम्बाइंड वो भी आ रहे हैं रोड शो में इंशाल्लाह। आप बार बार ये कह रहे हैं कि 8 तारीख का आपका प्रोग्राम है, रोड शो है, तो क्या लगता है कि रोड शो को नाकाम करने के लिए आपके साथ इस तरीके की कार्रवाई की गई? हो सकता है कि परमिशन ये लोग फेल कर दे, ये भी परमिशन मिल चुकी है, परमिशन मिली है, परमिशन मिल चुकी है। खतरा किसको है? भाजपा को सीधे सीधे खतरा है, क्योंकि मजलिस ही वैसे ही साहब पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो NRC का मुद्दा हो, चाहे वो तबरेज आलम का मुद्दा हो, चाहे जो वो आज राजस्थान में जला के जिंदा मुसलमानों को मार दिया जाता है, चाहे वो अतीक अहमद को जो कस्टडी में जो है हत्या हो गई, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई बोलने वाला है तो विपक्ष नहीं बोल रहा है, लेकिन असुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं, उनके झंडा से मैं लड़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं प्रत्याशी को खतरा बना हुआ है कि मजलिस का झंडा कहीं गाड़ देंगे ये लोग तो फिर उखाड़ नहीं पाएंगे। मतलब असदुद्दीन ओवैसी के नाम पे आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपका कहने का मतलब? जी, इसके पहले भी जो है जिला अध्यक्ष के ऊपर जो है मुकदमा बना के नशे तक की कार्रवाई हुई, मजलिस के जितने साथी थे यहाँ के नेता मिलकर मजलिस के लोगों को मतलब कार्रवाई करवाते हैं, यहाँ के जो ये आवामी जो मुकामी नेता है जाके जो हजूरी करते हैं अधिकारी गढ़ की। ठीक है, थैंक यू। आग मऊ मतलब एतमाद आपका, 100% हकीकत पर मबनी खबर, हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना, तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।